नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि गेहूं की टॉप 3 वैरायटी के बारे में, कि गेहूं की 3 उन्नत वैरायटी के बारे में जिसका आप चयन करके अपने आने वाले समय गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में ऐसी बात करें, काफ़ी हमारे किसान भाइयों का कहना है कि उनको अगेती गेहूं की खेती करना है, तो किसानों में एक ऐसी अगेती गेहूं की वैरायटी के बारे में बात करने वाले हूँ। अगर आप उसका प्रयोग करते तो आप अपने एक एकड़ से कम 30 से 35 घंटे प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। जो मैं 3 वैरायटी बताने वाला हूँ, इसमें मेरी पिछले साल कौन सी फेवरेट वैरायटी थी जो मैंने लगाई थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान में जैसे कि जो सबसे पहली वैरायटी है उसके बारे में बताना चाहेंगे, वो किसान में वो है करण आदित्य की DVW 332। ये वैरायटी किसान भाई एक रिसर्च बीज है और ये जल्दी आया था, 2021 के आसपास आया था, लेकिन इसकी जो पकने की अवधि है वो बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ और है किसान भाई, जैसे कि इसको हम अगेती भी लगा सकते हैं और इसको पछेती भी बुआई कर सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाई पछेती भी गेहूँ की बुआई करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई अगेती भी बुआई करते हैं। तो आप इसको दोनों मौसम में लगा सकते हैं, यानी कि अगेती भी इसकी बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हो और पछेती भी करके आप इसका अच्छा पैदावार ले सकते हो। बात करते हैं इसकी पकने की अवधि, तो किसान भाई ये पकने में 120 से लेकर 125 दिन में पक कर के तैयार हो जाता है। दूसरा चीज़ किसान भाई, इसकी लंबाई इसकी 98 से लेकर 103 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी कि बोना होने के कारण ये हमारा गेहूं गिरता नहीं है और इससे हम अधिक पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो दाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला मोटा वजनदार होता है। अगर 1000 दाने की बात करें तो 1000 दाने में किसान भाई इसका करीब 45 ग्राम इसका वेट बैठता है और इसकी पैदावार बहुत ही अधिक निकल करके आती है। अगर हम सिंचाई की बात करें किसान भाई, तो आप इसको 4 से 5 सिंचाई में आराम से पका करके, यानी कि काट सकते हो आराम से। 4 से 5 सिंचाई में आराम से आप इसकी बुआई करने के बाद कटाई आराम से कर सकते हो, यानी कि आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। बुआई की बात करें किसान भाइयों, तो आप 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी बुआई आराम से कर सकते हो और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दूसरा चीज़, एक चीज़ और है किसान भाई, इसके अगर कल्ले की बात करें तो एक पौधे से 10 से 12 कल्ले निकलते हैं, जिसके हमारे अगर अधिक कल्ले निकलेंगे तो हमारी पैदावार कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगी। तो इसमें कल्लों का फुटा बहुत ही अच्छा होता है, इसका जर्मिनेशन एक समान होता है, आपको नहीं दिखाई देगा कि ऊपर नीचे काफ़ी गेहूँ की वैरायटी होती है वो एक समान नहीं निकलती, तो इससे भी घाटा देखने को मिलता है, लेकिन इसका जर्मिनेशन एक समान होगा और कल्ले की संख्या काफ़ी अच्छी निकल करके आएगी। दूसरा चीज़ एक और है किसान भाई, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट और जमा लीफ फोल्डर और बहुत सारी हल्दी रोग जैसी समस्या हमारी गेहूँ की फसल पे आती है, लेकिन वो समस्या इस वैरायटी पे नहीं आएगी। ये रोग प्रतिरोधक बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट देखा गया है और काफ़ी हमारे किसानों की पहली पसंद बन चुकी है और काफ़ी किसान भी इसकी बुआई करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले रहे हैं, तो आप इसका बुआई कर सकते हैं। दूसरी किसान भी वैरायटी जो है वो हमारे किसान भी की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद वैरायटी है, काफ़ी हमारे किसान भी इस वैरायटी का चयन करते हैं और किसान भी शायद आप भी इस वैरायटी का चयन करते होंगे। वो वैरायटी किसान भाई श्रीराम सुपर 303 वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है, बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी का चयन करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार लेते हैं। और बात करें इसकी बुआई की, तो आप इसकी अगेती बुआई भी कर सकते हो, इसकी पछेती बुआई भी कर सकते हो और पकने की जो अवधि है वो 125 लेकर 130 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है। और पौधे की कल्ले की संख्या की बात करें तो एक कल्ले से आपको 15 से 17 कल्ले देखने को मिलते हैं, जिससे जो हमारी पैदावार होगी वो भी अधिक निकल करेगी। इसका दाना मोटा चमकीला वजनदार होता है, जिससे हमारा जो उसका भार होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि जो पैदावार में निकल करके आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आती है। अगर बात करें 1000 दाने की, तो 46 ग्राम इसके 1000 दानों का वजन देखा गया है, जिससे जो हमारी जो उत्पादन निकल करके आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। दूसरा हम बात करें किसान भाई की, इसका जो उत्पादन की एक एकड़ में किसान भाइयों कितना उत्पादन निकल करके आया, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया था कि एक अगेती फसल के बारे में बात करूँगा, धान की गेहूँ की अगेती वैरायटी के बारे में, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान में इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे जो हमारी गेहूँ की फसल में रोग कम लगेंगे, अगर रोग हमें स्प्रे कम करना पड़ेगी तो हमारे जो खर्चा होगा वो भी कम आएगा और हमारी पैदावार भी अधिक निकल करके गई, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी हमारे किसानों को पता है, इसलिए इस वैरायटी का चयन बहुत सारे हमारे किसान भाई करते हैं और बहुत हमारे किसान भाई की मनपसंद वैरायटी भी है। तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, हमारी खर्चा कम होगा, हमारी लागत कम लगेगी और पैदावार भी अधिक निकल करके आएगा। और बात करें इसकी पैदावार की किसान भाइयों, तो ये हमारे एक एकड़ में करीब 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ निकल करके देगा, अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से सिंचाई करते हैं और सही तरीके से आप खादों का प्रयोग करते हैं, तो आप एक एकड़ से कम 30 क्विंटल आराम से ले सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसको कौन कौन से राज्यों में लगा सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल आता है कमेंट में, तो मैं बताना चाहूँगा आप इसकी बुआई आप पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, आसाम और महाराष्ट्र, इन सभी जगह पे जहाँ जिन जिन राज्यों में गेहूं की खेती होती है उन सभी राज्यों में इस वैरायटी का बुआई करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार अगेती में भी ले सकते हैं, पिछेती में भी ले सकते हैं। तो इन दो वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। जो किसान भैया अब बात करते हैं तीसरी सबसे पॉपुलर वैरायटी और जो अगेती जो वैरायटी है, किसान भैया ध्यान रखिएगा मैं इस वैरायटी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी हमारे किसान अगेती गेहूँ की बुआई करते हैं तो इस वैरायटी का बहुत ही अधिक चयन करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी जो उत्पादन की, वो उत्पादन एक एकड़ से करीब 35 क्विंटल एकड़ आराम से निकल करके देती है वैरायटी। अब बात करते हैं लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, इस शर्तों पर अगर आप कार्य करते हो तो आपकी पैदावार 35 क्विंटल प्रति एकड़, उससे अधिक आप ले सकते हैं, लेकिन शर्तें क्या है इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान वो वैरायटी है WH 1270 एक विकसित वैरायटी 2021 में ये विकसित हुई थी किसान भाइयों, और काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने इसका चयन करा था, लेकिन उनका मानना ये था, काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल था कि उनकी पैदावार अच्छी निकल करके नहीं आई, लेकिन उसमें रीज़न ये था क्यों निकल करके नहीं है, तो इसके लिए आप इस वीडियो देखते रहिएगा इस वीडियो को अंत तक। किसान इस बीज की मात्रा की बात करें तो ये बीज आपको एक एकड़ में 40 किलोग्राम एकड़ ही लेना है। पहले तो गलती किसान भी नियात से करी थी कि एक एकड़ में 45 से 50 किलोग्राम बीज का चयन करा था, तो आपको 40 किलोग्राम अधिक बीज का चयन नहीं करना है। दूसरा किसान में ये एक अगेती वैरायटी है, अक्टूबर के लास्ट वीक से आपको 10 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई कर देना। आप 10 नवंबर के बात करेंगे तो आपको इसका अच्छा पैदावार देखने को नहीं मिलेगा। ये दो गलती तो शुरू में किसान भाई ने करी थी। दूसरा किसान भाई जैसे कि जो पकने की अवधि है वो अवधि 120 से लेकर 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। किसान भाई का सवाल था कि उनका जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट था, जो उन्होंने खाद का प्रयोग करा था, वो सही तरीके से नहीं करा था, क्योंकि किसान भाई ये जो वैरायटी है WH 1270 इसमें अधिक खाद का प्रयोग करना होता है। जैसे कि नॉर्मली आप एक कट्टा DAP का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें आपको एक डेढ़ कट्टा DAP का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा भाई आप यूरिया की बात करें तो आपको 2-2.5 कट्टे आराम से आपके गेहूँ में लग जाते हैं यूरिया एक एकड़ में, लेकिन वही आप WH 1270 की बात करें तो आपको करीबन 3-3.5 कट्टे आपको यूरिया देना पड़ेगी, तभी आप इससे अधिक पैदावार ले सकते हो। तो किसान दूसरा कार्य जो आपको करना है WH 1270 में, वो कार्य ये है कि सही तरीके से सिंचाई करना, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान ने गलती करी थी कि सिंचाई लेट करी थी, यानी कि बालियों में दूध आने से पहले उस समय पर आप सिंचाई करते हैं, क्योंकि लेट सिंचाई करेंगे तो आपकी जो फसल है गेहूँ की वो गिर जाती है, जिससे भी हमारे जो गिरने से फसल में जो घाटा होता है वो करीब 25-30% घाटा देखने को मिलता है। जिन कारणों की वजह से हमारे किसानों का सवाल था तो वो यही रीज़न था, उन्होंने यही गलतियाँ करी थी कि सही तरीके से खाद का प्रयोग नहीं करा था, सही तरीके से स्प्रे का प्रयोग नहीं करा था, सही तरीके से सिंचाई का प्रयोग नहीं करा। तो इन तरीक़ों से जो मैंने आपको बताया, तो अगर आप इन कार्य पे कार्य करते तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद जो अगैती गेहूं की बुआई करने लिए जा रहे किसान भाई वो 1270 का WH 1270 का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरी जो फेवरेट वैरायटी कौन सी थी पिछले साल जो मैंने लगाई थी, वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो वैरायटी श्रीराम सुपर की 303, जो मैंने वैरायटी का चयन करा था, मैंने 4 सिंचाई करी थी, उसमें अच्छी तरीके से खाद का प्रयोग करा था, स्प्रे का प्रयोग करा था, जो मेरा उत्पादन निकल करके आया था वो करीब 28 से लेकर 28.5 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के आसपास हमारा उत्पादन निकल करके आया था। तो ये मेरी जो फेवरेट वैरायटी थी, ये वैरायटी मैं इस बार फिर दोबारा से लगाने की सोच रहा हूँ। तो आप इन में से जो मैंने आपको 3 वैरायटी बताई थी, इन तीनों वैरायटी का लगा करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। किसान में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अपने एरिया में कौन से वैरायटी का चयन कर रहे हैं, या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको 3 वैरायटी बताई थी उनमें से आप कोई भी एक चयन करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे युवा किसान मित्र जो गेहूं की खेती करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर अपना करियर बनाने की सोचे, तो उन तक हमारी जानकारी पहुँच सके, वो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा निकात्मक पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।